अस्सलाम वालेकुम, आसिफ कंस्ट्रक्शन में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लगे हुए मार्बल के ऊपर टाइल किस तरह से लगाएं ताकि उसकी ग्रिप मजबूत से मजबूतर हो सके। पहली बात तो है, अगर आपके घर में मार्बल लगा है तो उसके ऊपर टाइल लगाने की ज़रूरत क्यों आती है? या तो मार्बल का कलर चेंज हो जाए। बेसिकली जो मार्बल होता है वो टाइल से ज़्यादा मजबूत होता है, और अगर उसके ऊपर कोई चीज़ वगैरह गिर भी जाए तो वो डैमेज होने से भी बच जाता है। इसके बरक्स जो टाइल होती है वो नाजुक होती है बनिस्बत मार्बल। तो बाज़ औक़ात अगर आपका माइंड चेंज हो जाए कि हमने अपने मार्बल के ऊपर टाइल लगवानी है तो कैसे लगवाएं, तो उसका आसान तरीन जो हल है वो ये कि आपने अपने मार्बल के ऊपर अच्छी तरह से जरियाँ लगा देनी है, यानी कि उनको कट लगा देने हैं एक मार्बल के पीस के ऊपर तकरीबन 5 से 6 अदद, और गहरे लगाने हैं। आप जितने जो कट होंगे मार्बल के एक पीस के ऊपर लगाएंगे ज़्यादा, वो उतनी ही जो टाइल होगी वो ग्रिप ज़्यादा हासिल करेगी। इससे अगर आप कट कम लगाएंगे या हल्के लगाएंगे, उससे एक तो बॉन्ड जो है वो उसकी दर्ज के अंदर नहीं जाएगा, और दूसरी जो टाइल है वो वहाँ से स्लिप भी हो सकती है अगर उसकी जो पैकिंग है वो अच्छी नहीं हुई। तो जब आप ये काम कर लें उसके बाद आपने अपनी जो टाइल है उसकी जो पैकिंग है वो भी अच्छी करनी है, यानी कि उसको बॉन्ड अच्छी तरह से लगाना है, और जितना आपने ऊपर टाइल के लगा रहे हैं मार्जिन बॉन्ड का, उतना ही कोशिश करें कि आप अपनी उसकी बेस बनाने में भी लगाएं। बेस बनाते हुए कोशिश करें कि टाइल की जो पैकिंग है वो अच्छी से हो, अच्छी हो, ताकि जो टाइल है एक लंबे अरसे तक महफूज हो सके। और जब ये आप अपने काम वगैरह मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आप अपनी जो टाइल है वो आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, और इस तरह से आप भी अपने जो लगे हुए मार्बल के ऊपर है वो टाइल लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो वो नुकसान होने से या टूटने से बच भी जाती है। अगर आपकी पैकिंग मजबूत या अच्छी नहीं होगी तो वो डैमेज भी हो सकती है। कोशिश करें कि उसकी पैकिंग अच्छी बनाएं ताकि अच्छी तरह से जरी वगैरह काट लगाएं और मजबूत हो सके।